सच्चा प्यार या टाइम पास, झूठे प्यार की पहचान, छह निशानियां, ये जाली मोहब्बत है। ये समझने के लिए कि आया ये तवील मुद्दती प्यार है या टाइम पास, आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। इन अलामत को जानने के लिए कुछ नुक्कात हैं जिनसे आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि आप कहीं टाइम पास ताल्लुकात में तो नहीं। रिश्ते में जज्बात का होना मोहब्बत और देखभाल का इजहार है जो आपके बहुत करीब है। लोग ऐसे लोगों के साथ आरामदेह और पुरसकून ताल्लुकात अस्तवार करते हैं जो ताल्लुकात के बारे में संजीदा है। हालात के इस दौर में जहां रिश्ते का मतलब जज्बात का होना है लेकिन उन्हें कोई नाम ना देना ट्रेंड है। इन अलामत को पहचानना बहुत मुश्किल है कि आप टाइम पास रिश्ते में हैं या ये सच्ची मोहब्बत में। ये जानने के लिए कि ये तवील मुद्दती प्यार है या टाइम पास, आपको फर्जी मोहब्बत के फरेब को देखने और उन अलामत को समझने के काबिल होना चाहिए ताकि वो आपको इस्तेमाल ना कर सके। तो आए अलामत देखें। निशानियां, आप टाइम पास रिश्ते में हैं। बहुत सारी निशानियां हैं कि आप टाइम पास ताल्लुकात में हैं, बस आपको उनका मुशाहिदा करने और पकड़ने के काबिल होना चाहिए। इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि कैसे जाने कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि टाइम पास है और रिश्ते में ऐसी कौन सी अलामत है जिनसे आपको बचना चाहिए। पहली निशानी, आपका पार्टनर जज्बाती ताल्लुक कायम नहीं करेगा। ये जानने के लिए कि ये तवील मुद्दती है या टाइम पास, उनके साथ आपके जज्बाती ताल्लुक की सतह का मुशाहिदा करें। लड़का बहुत सारी चीज़ें करता है जब उसे प्यार हो जाता है, लेकिन अगर आपका साथी कुछ नहीं कर रहा है और ना ही उसके साथ कोई जज्बाती ताल्लुक पैदा हुआ है तो ये इस बात की अलामत है कि आप टाइम पास ताल्लुकात में फंस गए हैं। जब भी आप अपने मसाइल, ख़ानदानी मसाइल, या आप कैसा महसूस करते हैं या उनसे जज्बाती मदद हासिल करने के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको दूर कर देता है, लिहाजा उससे बचने की कोशिश करें। वो अक्सर सब कुछ आप पर छोड़ देता है और आपकी मदद करने में कभी हिस्सा नहीं लेता। दूसरी निशानी, मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। टाइम पास रिलेशनशिप में आपके फंसने की एक अलामत यह है कि मोहब्बत कुछ महीनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मोहब्बत है या कशिश। रिश्ते की इब्तिदा में इंसान बेपनाह मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारी देखभाल और तवज्जो ख़त्म होने लगती है और सिफर तक पहुँच जाती है। ये सिर्फ टाइम पास है। अगर शुरू में बहुत ज़्यादा देखभाल और मोहब्बत दिखाई जाए लेकिन बाद में नहीं, ये इन अलामत में से एक है कि वो आपको इस्तेमाल कर रहा है। इन हालात में आपको इस रिश्ते से दूर हो जाना चाहिए। रिश्ता मोहब्बत पर बनता है और अगर कम हो जाए तो रिश्ता भी कम हो जाता है। तीसरी निशानी, अगर सिर्फ जंसी तस्किन शामिल है। अगर एक लड़का आपके साथ खेल रहा है और आपके साथ सिर्फ जंसी तस्किन में शामिल है, बातचीत हो या आमने सामने गुफ्तगू, वो हमेशा जिस्मानी लज्जतों और जंसी ताल्लुकात के बारे में बात करता है, यहाँ तक कि अगर आप गुफ्तगू का आगाज़ किसी और चीज़ से करते हैं या शायद संजीदा बात करते हैं तब भी गुफ्तगू आखिर में जंसी तस्किन तक पहुँच जाती है। आपको मालूम होना चाहिए कि सेक्स का मतलब मोहब्बत नहीं है। अगर आप भी जिस्मानी लज्जतों की तलाश में हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप जज्बाती इस्तेहकाम और एक मुनासिब रिश्ता चाहती हैं
तो ये उन अलामत में से एक है कि आप टाइम पास रिश्ते में फंस गई हैं। चौथी निशानी, वो रबते में रहने की कोई कोशिश नहीं करता। ये जानने का एक और तरीका है कि ये मोहब्बत नहीं टाइम पास है, कि रिश्ते में सिर्फ आप ही हैं जो रिश्ते को कारामत बनाने की कोशिश कर रही हैं। इंतबाह, ये है कि आप तारीखों की मंसूबा बंदी करती हैं, चिंगारी को बरकरार रखने की कोशिश करती हैं, ताल्लुकात को जारी रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपका साथी कुछ नहीं करता और शाज़ो नादर ही आपकी मदद करने में हिस्सा लेता है। वो तारीखों की मंसूबा बंदी नहीं करता और ना ही वो उसमें दिलचस्पी लेता है, यहाँ तक कि आप ही सब कर रही हैं। इसके अलावा उसकी तरफ से ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। पांचवी निशानी, वो साथ होते हुए भी मसरूफ रहता है। टाइम पास के रिश्ते में आपके फंसने की एक अलामत यह है कि वो हमेशा मसरूफ रहता है, ख़ासकर जब वो आपके साथ होता है। जब आप उसके साथ होते हैं तो वो हमेशा किसी न किसी चीज़ में मसरूफ रहता है और उसके पास आपके लिए वक्त नहीं होता। अगर वो सिर्फ उस वक्त मसरूफ है जब वो आपके साथ होता है तो ये एक संगीन मसला है। टाइम पास और प्यार में बुनियादी फ़र्क ये है कि मोहब्बत में पार्टनर आपकी तरजीह होता है, लेकिन टाइम पास में ये बात लागू नहीं होती। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने चाहिए तो हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।